Oh God, once again, we lost the game. We lost the crucial game. Whenever we entered into the semi-final, final stage, it's happened again and again. So, ये कौन है डेविड मिलान? क्या इसको फाइनल में ही जागना था और हमारे बॉलरों को फेंटा लगाना था? ये सीरीज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को किया आउट क्लास तकरीबन सारे डिपार्टमेंट में. यहाँ बात ज़रूर करेंगे कि एज पाकिस्तानी वी लव दिस गेम और हमने ये सबूत दिया मैदान में आकर. जो टीम जीतती है, जो टीम जीतती है उसकी तारीफ बनती है और जो टीम हारती है उसकी सीख बनती है. जो इंग्लैंड ने किया हमें आउट क्लास, उसमें आउट क्लास किया सारे डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो अप्रोच हो, चाहे वो माइंडसेट हो, चाहे वो क्वालिटी बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या फिटनेस हो, सारे डिपार्टमेंट्स में. अगर हम इंग्लैंड की प्लानिंग की बात कर लें तो इंग्लैंड अपनी प्लानिंग में बड़े ही वाज़े था. उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है और उनको ये भी पता था कि उनको कैसे करना है. वो बड़े कूल एंड काम नज़र आए, कंट्रोल नज़र आए और बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं करी उन्होंने और वो स्टिक रहे अपने प्लान्स के साथ. अगर उनकी अप्रोच की बात कर लें तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैकिंग अप्रोच ही अडॉप्ट करके रखी उनके बैटर्स ने, और अटैकिंग अप्रोच जो थी वो चाहे एक बैट्समैन आउट हो जाए, दो आउट हो जाए, तीन आउट हो जाए, उन्होंने अटैकिंग अप्रोच से वो नहीं हटे, बड़े क्लियर नज़र आ रहे थे वो एंड तक इसी तरह ही खेले. ऑल दो के कमाल की बात माइंडसेट में, कमाल की बात अगर मैं करूं उनके माइंडसेट की, तो वो ये थी कि वो लगातार दो मैच हारे लेकिन उसके बाद भी वो अपने प्लानिंग से, अपनी चीज़ों से हटे नहीं और परफॉर्म उसी अंदाज में खेले, उसी तरह परफॉर्म किया जैसे वो खेलते आ रहे थे. ये था उनका अपने ऊपर कंट्रोल, दे नो देयर गेम. बैटिंग की बात कर लें तो क्वालिटी बैटिंग की इस तरह हो सकती है कि अगर हम वैगन व्हील को उसको देखेंगे हर बैट्समैन को, तो उनके तमाम ही बैट्समैनों ने प्लेइंग एरिया के ऑल द कॉर्नर्स उन्होंने शॉट खेले, उन्होंने फोर्स चौके भी मारे, छक्के भी मारे, सिंगल डबल्स भी किए एंड ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने फेलियर्स को कंट्रोल किया, बल्कि उन्होंने जब कमांड हासिल की तो पूरे मैच को कंट्रोल किया और उसको चेंज किया. बॉलिंग की बात कर लें तो उनकी बॉलिंग भी इतनी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रही. उनको पता था कि कब उन्होंने बाउंसेस करने हैं, किसको उन्होंने बाउंसेस करने हैं, कब उन्होंने फुल लेंथ बॉलिंग, अटैकिंग बॉलिंग करनी है और कब उन्होंने डिफेंड करना. ऑल्दो कि उनकी डिफेंडिंग अप्रोच बॉलिंग में भी नज़र नहीं आई, वो फुल टाइम अटैकिंग रहे. फील्डिंग में भी उनके लैप्सेस कम नज़र आए, फिटनेस के भी इश्यूज़ उनको नज़र नहीं आए. मिलान की अगर हम बात कर लें तो मिलान का फेलियर नज़र आ रहा था, वो रन्स नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने इंग्लैंड की टीम ने उनको इंटैक्ट रखा, उनको मौका दिया. उनको पता था कि इनको इन पर रन्स ड्यू हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड थे. उन्होंने क्रूशल टाइम पे आके इंग्लैंड के लिए परफॉर्म किया और अपनी जीत के लिए, इंग्लैंड की जीत के लिए एक मेन किरदार और एक अहम किरदार अदा किया. पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो देखें, पाकिस्तान ने 200 रन्स किए. 200 रन्स करने के बाद भी हम सेल्फ बिलीव हमारा हम नहीं ले पाए. 145 रन डिफेंड करने के बाद भी हम टीम नहीं बन पाए, तो हम ना कॉन्फिडेंस गेन कर पाए, ना हमारे सेल्फ बिलीव हमें मिला और ना ही हम टीम बन पाए. हम तो आउट क्लास ही हो गए. हमने टेस्ट एंड ट्राई काफ़ी किया, लड़कों को भी मौका दिया लेकिन फिटनेस के इश्यूज़ ने भी हमें प्रॉब्लम किया और प्रॉब्लम की वजह से वो ग्रिप नहीं रही. हमने कुछ नए लड़कों को भी चांस दिया, अच्छा किया. बॉलिंग की अगर हम बात कर लें तो शॉर्ट पिचेस ज़्यादा रहीं, अटैकिंग बॉलिंग कम रही. शादाब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बीच में आकर कुछ अच्छे बॉल किए और बेहतर बॉलिंग की, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ बनती है हारिस रऊफ की, जिन्होंने कमाल किया और एक्सलेंट बॉलिंग की. ना सिर्फ क्योंकि उन्होंने हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया, उनको पता था कि कब उन्होंने बाउंसर करने, और अगर बाउंसर्स वो बैटर्स को देखकर रीड कर वो यॉर्कर्स, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो यॉर्कर्स बहुत अच्छे करते हैं विद इन द स्टम्प्स, ऑफ स्टम्प के बाहर भी, और इसके साथ साथ वेरिएशन करते हैं. देखिए, T20 क्रिकेट बहुत तेज़ क्रिकेट है, इसमें वेरिएशन आपको करना पड़ेगी और जो भी डिसीजंस आपने करने हैं, जो भी एक्शंस आपने करने हैं, बड़े क्विक करना पड़ेंगे, वक्त के साथ चलना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. अगर आप नहीं करेंगे
तो फिर मुश्किल में आएंगे। पाकिस्तान बैटर की हम बात कर लें तो बैटिंग में हमारे पास क्वालिटी कम है, हम एक सर्टेन एरियाज़ में स्ट्रांग हैं, दूसरे एरियाज़ में स्ट्रगल करते हैं। सो इसकी वजह से इंग्लैंड के ओपोनेंट जो बॉलिंग है उसके पास लग्जरी हासिल हो जाती है और उनको ये पता होता है कि इनके जोन में अगर बॉल करेंगे तो ये हिट मारेंगे, अदरवाइज़ इनके पास ऑप्शंस जो हैं वो कम है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पहले भी बात की थी, अगर आगे फुल पिच बॉल आ रही है तो आपके पास उस बॉल पर डिफरेंट शॉट्स आप एग्जीक्यूट करें। इंग्लैंड को अगर हम देखें तो वो ना सिर्फ सीधे बल्ले से बल्कि वो उल्टे बल्ले से भी खेल रहे थे। सो उन्होंने तो दोनों तरफ ही धुनाई की और पिटाई की, लेकिन हमें आगे चलना पड़ेगा। वी नीड टू मूव ऑन, वी नीड टू बिल्ड सेल्फ बिलीव, हमें हासिल करना पड़ेगा, हमें कॉन्फिडेंस को लेना पड़ेगा। हमने इतना बुरा भी नहीं किया, अच्छा भी किया है, लेकिन हमारे हाथ से चीज़ें फाइनल स्टेज पे आगे निकल जाती हैं। इसमें सिर्फ हमें सेल्फ बिलीव की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है और क्लियरिटी, ऑनेस्टी, क्लियरिटी, और ज़ाहिर है आप अपने से निकल कर प्लान के ऊपर रहें और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। जो लोगों को कंसिस्टेंट परफॉर्म मौके मिल रहे हैं उनको वो अवेल करें और शो करें। अगर आपके पास बैटर्स फेल होते हैं तो ज़ाहिर है उनको टेस्ट एंड ट्राई करने के लिए थोड़ा सा ऊपर मौका दें ताकि वो रीगेन करें। बिकॉज पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में नज़र आ रही थी कि वो दे आर, जैसे सभी कह रहे हैं कि दे आर फोकसिंग द वर्ल्ड कप। सो वर्ल्ड कप के लिए अगर आपने फोकस करना है सो आपकी एवेल्यूएशन एंड टेस्ट एंड ट्राई वो बड़े क्लियर होने चाहिए और बेहतर होने चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ वी नीड टू मूव ऑन, वे कीप मूविंग, कीप इम्प्रूविंग इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि पाकिस्तान के पास सारी सलाहियतें मौजूद हैं, सिर्फ बिलीव आपको चाहिए, बिलीव की कमी है और आपको एक टीम बनने की ज़रूरत है, कम्बिनेशन को राइट करने की ज़रूरत है और जो प्लेयर्स के इंडक्शन है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसमें ऑप्शंस होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास वेरिएशंस होने चाहिए, हमारे पास बैटिंग में ऑप्शंस होने चाहिए। सो कीप मूविंग, कीप इम्प्रूविंग एंड गुड लक टीम पाकिस्तान, डोंट वरी, इट्स हैपनिंग। विनिंग एंड लूजिंग इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। साइकोलॉजिकली एडवांटेज बड़ा नैरो होता है, इट्स इफ़ यू वी टॉक अबाउट द माइंड सेट। सो इट्स हैपनिंग, इट्स हैपेंड, सो नो वरीज, कीप मूविंग। सो मिलते हैं अगली वीडियो में और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त बेहतर से बेहतर और हम बेहतरी से बेहतरी की तरफ एज परफॉर्मर्स, एज टीम मूव ऑन करेंगे।